हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन रियल टेक। तो हम आ चुके हैं सेक्टर 91 के मैसियो में, तो आइए इसका वॉक थ्रू करते हैं। आ चुके हैं अपने टावर के लॉबी के पास। ये आपका एंट्रेंस होने वाला है, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये आपका सेकंड सिक्योरिटी टावर होने वाला है। यहाँ आपको सीसीटीवी का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हो, यहाँ आपको सीसीटीवी का एक्सेस मिल जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं तो इस साइड में आपके वेटिंग एरिया होने वाली है, इन केस अगर आपके गेस्ट आए हैं और आप कहीं बिजी हो तो ये आपका वेटिंग एरिया होने वाला है। काफ़ी स्पेशियस और वेटिंग एरिया मिल जाता है आपको। आगे चलते हैं और अपने लिफ्ट लॉबी की तरफ चलते हैं। ये आपका लिफ्ट लॉबी होने वाला है। यहाँ आपको स्टेयर्स की भी एक्सेस मिल जाती है, इनकेस अगर आपका लिफ्ट खराब हुआ पड़ा है तो। और ये आपका लिफ्ट लॉबी होने वाला है। तो आइए ऊपर चलते हैं और अपना 4 BHK फ्लैट देखते हैं। तो लिफ्ट से निकलते ही आप साइड में देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्टेयर्स का भी एक्सेस मिल जाता है और सामने में हमारा फ्लैट होने वाला है। तो आइए अपना फ्लैट देखते हैं। सो एंटर करते ही आपको साइड में मिल जाता है आपके डोर बेल का एक्सेस। अंदर चलते हैं और अपना फ्लैट देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से। ये आपका फर्स्ट बेडरूम होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, जैसे आप देख सकते हो। इस साइड में आपको वार्डरोब का स्पेस मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको वार्डरोब का। इस साइड में आपको बालकनी का स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है आपके लिए। विंटर सीजन चल रहा है, एग्जैक्ट धूप आने वाली है आपके बालकनी से। आपकी सोसाइटी की काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल सा व्यू दिखने वाला है, एकदम ग्रीनरी व्यू दिखने के लिए मिलता है आपको। बात कर लेते हैं तो इस रूम से ही अटैच आपको मिल जाता है वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है आपके लिए। इंटीरियर देख सकते हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। आगे चलते हैं। आगे आने के बाद ये आप देख सकते हो, ये आपका होने वाला है हॉल। इस साइड पे आपका लिविंग एरिया होने वाला है एंड दिस साइड में आपका डाइनिंग एरिया होने वाला है। लिविंग एरिया से अटैच आपको बालकनी मिल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विंटर सीजन चल रहे हैं, धूप की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समर में भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट में आपको काफ़ी अच्छे व्यू मिल जाती है आपकी सोसाइटी की, काफ़ी ग्रीनरी सा माहौल मिल जाता है आपको। आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। ये आपका डाइनिंग एरिया का स्पेस होने वाला है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको यहाँ का। साथ में आपको बालकनी मिल जाती है जो आपको आपके ही सोसाइटी से कनेक्ट करती है। इसमें आपकी सोसाइटी की व्यू दिखने वाली है, काफ़ी सुंदर सा व्यू मिल जाता है आपको इस तरफ। आपके डाइनिंग एरिया के ही जस्ट सामने आपको मिलता है आपका किचन। किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल सा किचन होने वाला है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा सुंदर होने वाला है आपका। इस साइड पे आपको रेफ्रिजरेटर, ओवन और OTG की स्पेस मिल जाती है। साथ में ये आपको मिल जाता है अटैच बालकनी। ये बालकनी आपको कनेक्ट करती है आपके सर्वेंट रूम से। सर्वेंट रूम लास्ट में देखेंगे और आगे चलते हैं और अपना सेकेंड बेडरूम देखते हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम होने वाला है। सेकंड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस बेडरूम मिल जाता है आपको और ये आपका मास्टर बेडरूम भी है। और इस साइड में आपको एक बालकनी की एक्सेस मिलती है और दिस साइड आपको दोनों तरफ बालकनी की स्पेस मिलती है। काफ़ी सुंदर सा व्यू मिलने वाला है आपको, धूप की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस साइड पर आपको वार्डरोब का एक्सेस मिल जाता है। इस साइड पर आप अपने बेडरूम के अकॉर्डिंग आप अपना वार्डरोब डेकोर कर सकते हो। और इस साइड पर आपका वॉशरूम मिल जाता है जो आपके रूम से ही अटैच्ड है। काफ़ी सुंदर सा वॉशरूम मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस सा वॉशरूम मिल जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ।
सेकंड बेडरूम के जस्ट सामने आपको मिल जाता है आपका थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है। यहाँ आप अपने बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए ये रूम आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेकोर कर सकते हो। इस साइड पे आपको वार्डरोब के स्पेस मिल जाता है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है आपको। वॉशरूम की स्पेस भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। बात करते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम की, बात करते हैं और ये आपका लास्ट और फोर्थ बेडरूम होने वाला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस सा रूम मिल जाता है आपको। साइड में आपको बालकनी मिल जाती है, बालकनी आपको हर एक रूम से मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है आपको बालकनी के लिए। इस साइड में आपका वॉशरूम होने वाला है, वॉशरूम का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सारे बेडरूम की तरफ चारों बेडरूम में आपको बालकनी, अटैच वॉशरूम मिलता है। काफ़ी अच्छा स्पेस देता है 4 BHK आपका ये। अगर मैं यहाँ के एरिया की बात कर लूँ तो ये एरिया आपका मिलता है 2742 से 5092 स्क्वायर फीट में। काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है आपको। साथ में आपको मिलता है सेवेंथ रूम। आइए सेवेंथ रूम देखते हैं। ये आपका सेवेंथ रूम होने वाला है और साइड में मिल जाता है आपको अटैच वॉशरूम और ये आपका बालकनी होने वाला है। ये आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस होने वाला है बालकनी। और ये आपको कनेक्ट करता है आपके किचन से, तो ये टोटली डिपेंड होता है आप पे कि आप अपने सर्वेंट को किस तरह से अलाउंस कर रहे हो अपने घर में। अगर बात यहाँ की एमिनिटीज़ की कर लेते हैं तो यहाँ आपको 20+ लग्जीरियस एमिनिटीज़ मिलने वाली है। सारे एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ आपको स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, ओपन एरिया, आपको सामने में स्कूल मिल जाता है। मेन चीज़ है आपको बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस साइड में आप देख लो, इस साइड में आपको किड्स स्कूल मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है आपको इस सोसाइटी के लिए। क्लब हाउस मिल जाता है साथ में। आगे चलते हैं और अपना क्लब हाउस देखते हैं। तो मैंने आपको एमिनिटीज में बताया कि यहाँ आपको क्लब हाउस भी मिलने वाला है। हम आ चुके हैं अपने क्लब हाउस के पास। अब क्लब हाउस के अंदर जो एमिनिटीज आपको मिलने वाली है, अंदर चल के वो आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। सो अंदर आते ही आपको ये आपका एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है। यहाँ पे आपका रिसेप्शन एरिया हो जाता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिफ्ट का एक्सेस मिल जाता है, यहाँ से स्टेयर्स के एक्सेस मिल जाते हैं आपको। आप इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत क्लासी सा इंटीरियर है आपके क्लब हाउस के अंदर का। इस साइड में आपका सिटिंग एरिया और रेस्टोरेंट बोल सकते हो, फूड कोर्ट टाइप बोल सकते हो, ये आपका इस साइड में होने वाला है। ऊपर चलते हैं और अपना जिम और स्विमिंग पूल देखते हैं। थर्ड फ्लोर पे हम आ गए हैं और ये आपका स्विमिंग पूल एरिया होने वाला है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा स्पेसियस सा एरिया मिल जाता है आपको। उस साइड पे आपका किड्स स्विमिंग पूल एरिया होने वाला है, वो भी देखते हैं। इस साइड में आपका किड्स स्विमिंग पूल एरिया होने वाला है। ये बच्चों के लिए स्पेशली साइड में बनाया गया है और दिस साइड में ये आपके स्विमिंग पूल एरिया होने वाला है। ये क्लब हाउस के थर्ड फ्लोर पे हैं हम और यहाँ से आप व्यूज़ देख सकते हो। काफ़ी सुंदर सा व्यू मिलने वाला है आपको इन समर और विंटर्स। काफ़ी सुंदर से माहौल मिलेंगे, चारों तरफ आपको ग्रीनरी सा एरिया मिलने वाला है। अगर मैं क्लब हाउस के साइजेस की बात करूं, अगर यहाँ की साइज़ कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो ये टोटल एरिया आपका 35,000 स्क्वायर फीट में है। बात यहाँ की एरिया की कर लेते हैं, ये टोटल एरिया 15 एकड़ में है। यहाँ आपको 788 यूनिट्स मिलते हैं, 16 टावर मिलने वाले हैं, हर एक टावर में 13 फ्लोर्स है। ये आपके एरिया होने वाले हैं, यहाँ के एरिया की मैं बात कर रही हूँ। अगर साइजेस की बात करें तो यहाँ आपको 3 साइजेस अवेलेबल मिल जाते हैं, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। अगर मैं इनकी साइजेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं
तो 2 BHK का साइज कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है आपके लिए 13-10 से लेकर 14-04 स्क्वायर फीट तक। अगर मैं बात करूँ 3 BHK तो इनके आपके साइजेस होने वाले 1862 से 2120 स्क्वायर फीट में। अगर मैं बात 4 BHK की करूँ तो ये आपको मिलता है 2724 से लेके 5002 स्क्वायर फीट में। 3 BHK के साइजेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये साइजेस आपको 40-41 स्क्वायर फीट में मिलता है। बात यहाँ की कनेक्टिविटी की कर लेते हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है आपको इस प्रोजेक्ट की। अगर आप NH8 की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लगने वाले हैं 5 मिनट्स, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आने वाले हैं आपको लगने वाले हैं 5-10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस। राजीव चौक या सोना रोड की बात करते हैं वहाँ से यहाँ आने में आपको लगने वाले हैं 10-15 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस। IGI एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको लगने वाले हैं 45 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस। विदिन 1 किलोमीटर में आपको सारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कमर्शियल स्कूल और हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है आपको इस प्रोजेक्ट की। आई होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज है तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ के लिए वीडियोज़ डालें, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टीज़ के नेम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।